तो चलिए मैं आपको कहानी सुनाता हूँ दुनिया के एक बहुत नायाब शहर की, जो है जेरूसलम। और ये कहानी सुन के आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से एक ही शहर दुनिया के तीन बड़े धर्मों का एक बहुत खास तीर्थ स्थान बन गया। और ये तीनों धर्म जो हैं, ये हैं ज्यूस, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, यानी कि यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम। और इस कहानी में आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन मिलेगा रोमन एम्पायर का, रोमन कैथोलिक चर्च का, क्रूसेड्स का, नाइट्स का, ऑटोमान एम्पायर का, और किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो बाकी ईस्ट इंडिया कंपनीज थीं, इन्होंने शेप दिया इस दुनिया को, जिस दुनिया को आज हम देख पाते हैं, और किस तरीके से अलग अलग देश बने। ये सब चीज़ें हमें समझ में आएंगी, हल्का सा इंट्रोडक्शन मिलेगा इस कहानी से। और आज के टाइम की जो प्रेजेंट डे पॉलिटिक्स है और जो अलग अलग देशों की पॉलिसीज़ है, ख़ासतौर पर इज़राइल के लिए, इस चीज़ का भी हल्का सा इंट्रोडक्शन हमें मिलेगा। तो वैसे तो ये कहानी शुरू होती है आज से 10,000 साल पहले, 15,000 साल पहले, जब इजिप्ट में फारोस का राज हुआ करता था। लेकिन हम अपनी कहानी इतने पहले से शुरू नहीं करेंगे, हम अपनी कहानी शुरू करेंगे आज से करीब करीब 2,500 साल पहले। तो आज से 2,500 साल पहले जो वेस्ट एशिया का हिस्सा है और जितना भी यूरोप का हिस्सा है, यहाँ उस टाइम पे इस तरीके से देश नहीं हुआ करते थे। उस टाइम पे अलग अलग इलाके हुआ करते थे और हर इलाके का अपना अलग धर्म होता था, अपनी अलग भाषा होती थी, अपने अलग अलग ट्रेडिशंस होते थे और अलग अलग त्यौहार होते थे। तो इस तरीके से अलग अलग जितने भी इलाके हैं उनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी। अब अगर धर्मों की बात करी जाए तो इतने अलग अलग तमाम धर्मों में एक बहुत खास धर्म था, और ये धर्म था ज्यूस का, ज्यूस यानी कि यहूदी धर्म। अब यहूदी धर्म के लोग किस किस को मानते हैं? तो सबसे पहले तो यहूदी लोग मानते हैं उस परम पिता परमेश्वर को, उस भगवान को जिस भगवान ने पूरी दुनिया बनाई है। उसके बाद ज्यूस बहुत ज़्यादा मानते हैं प्रॉफिट इब्राहिम को, जो इब्राहिम थे। इब्राहिम के बारे में कहा जाता है कि फरिश्ते आते थे इनके पास, इनसे मिलते थे, इनको तमाम ज्ञान की बातें बताते थे, और वो फरिश्ते मैसेज देते थे उस भगवान का, इब्राहिम को। और इब्राहिम साहब जो हैं वो इन फरिश्तों का मैसेज पहुंचाते थे आम लोगों तक। तो जो इब्राहिम थे उन्हें प्रॉफिट का दर्जा दिया गया, प्रॉफिट यानी कि पैगंबर। और ये भी माना गया कि प्रॉफिट इब्राहिम अकेले प्रॉफिट नहीं हैं, इनके बाद और भी पैगंबर आएंगे, और भी ऐसे लोग आएंगे जिनको उस भगवान का मैसेज मिलेगा और वो इंसानियत में पहुंचाएंगे। इनके बाद ज्यूज और बहुत ज़्यादा मानते हैं प्रॉफिट मोसेस को, यानी कि जो पैगंबर मूसा थे उनको। और इनकी भी एक से एक किस्से कहानियां हैं, कई सारे चमत्कारों के किस्से हैं। और इसके अलावा ज्यूज बहुत ज़्यादा मानते हैं किंग सोलोमन को। अब आज के टाइम में जहाँ इज़राइल देश है और इज़राइल के आसपास का जितना इलाका है, एक टाइम पे वहाँ ज़्यादातर यहूदी लोग रहा करते थे, और इनके राजा थे किंग सोलोमन। और किंग सोलोमन ने इनकी जो राजधानी थी, इनकी राजधानी थी जेरूसलम में। तो किंग सोलोमन ने जेरूसलम में अपना एक मंदिर बनवाया, मतलब अपना मंदिर नहीं बनवाया, उन्होंने मंदिर बनवाया, तो इस वजह से उसे टेम्पल ऑफ सोलोमन कहा जाता है। तो अब जितने भी यहूदी धर्म के लोग हैं पूरी दुनिया में, इनका एक इकलौता जो मंदिर था वो था टेम्पल ऑफ सोलोमन। अब इसके बाद ऐसा हुआ कि कई सालों के बाद, सदियों के बाद, किसी एक साम्राज्य ने हमला किया इनके उस होली लैंड में, या उनके वो जो पवित्र जगह थी इज़राइल, और इज़राइल के आसपास का इलाका, ज्यूस को हरा दिया और उनको मजबूर किया कि वो अपने होली लैंड या पवित्र जगह से बाहर जाएं, और जेरूसलम शहर को बिल्कुल तबाह कर दिया गया, सब चीज़ें तोड़फोड़ दी गईं, और जो टेम्पल ऑफ सोलोमन था उस टेम्पल ऑफ सोलोमन को भी पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। अब इस चीज़ के बाद कई सारी सदियां गुजर गईं, जो यहूदी लोग हैं वो वापस से आए अपने इस होली लैंड में, दोबारा से बसे, और इन्होंने दोबारा से जेरूसलम शहर को बसाया, और जो टेम्पल ऑफ सोलोमन जहाँ था वहाँ पे इन्होंने दोबारा से टेम्पल ऑफ सोलोमन बनाया। तो अब जो टेम्पल ऑफ सोलोमन बना, ये बना सेकंड टेम्पल ऑफ सोलोमन।
अब इसके बाद क्या होता है, कई सदियों के बाद दोबारा से कोई साम्राज्य इन पे हमला करता है, इनको हराता है, यहूदियों को, इनको दोबारा से इनके होली लैंड से बाहर भेज देते हैं और दोबारा से जेरूसलेम शहर को बर्बाद कर देते हैं। और ये जो टेंपल ऑफ सोलोमन था, सेकेंड टेंपल ऑफ सोलोमन, इसको दोबारा तोड़ दिया जाता है। और अब की बार ये टेंपल ऑफ सोलोमन पूरी तरीके से नहीं टूटता, इसकी जो वेस्टर्न वॉल है यानी कि जो पश्चिमी दीवार है वो बची रह जाती है। और आज तक वो वेस्टर्न वॉल बची हुई है और वो वेस्टर्न वॉल अब कही जाती है वेलिंग वॉल। और दुनिया भर के जितने भी यहूदी हैं वो जाते हैं इसराइल में, उस वेलिंग वॉल के किनारे खड़े होकर वो प्रार्थना करते हैं, अपना दुख प्रकट करते हैं कि वो उनका टेम्पल टूट गया। तो ये तो रही ज्यूस की कहानी, हल्का सा आइडिया। अब आज से 2000 साल पहले जो यूरोप का एरिया है वहाँ एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना जो था रोमन एम्पायर। और ये रोमन एम्पायर उस ज़माने के लिहाज से देखा जाए तो बहुत बड़ा साम्राज्य था और बहुत पावरफुल साम्राज्य था। और साम्राज्य कैसे बनते हैं, जब अलग अलग इलाकों को एक साथ लाया जाता है, तो अब जितने भी इलाके थे रोमन साम्राज्य में, हर इलाके में अलग अलग भाषा बोली जाती थी, हर इलाके में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करी जाती थी, हर इलाके के लोगों की मान्यताएं, ट्रेडिशन सब अलग थे। तो अब इससे होता क्या था कि जब इतने सारे अलग अलग इलाके एक साथ एक साम्राज्य में रहते थे तो रिबेलियन यानी कि बगावत बहुत ज़्यादा होती थी। और एक और चीज़, इतने साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों से ही आर्मी बनाई जाती थी, तो आर्मी में बड़ी दिक्कत होती थी, लोगों में यूनिटी नहीं होती थी। और साम्राज्य जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे और ज़्यादा वो दिक्कतें शुरू होंगी, क्योंकि उतने अलग अलग टाइप के लोग होते चले जाएंगे। तो इस वजह से कई बार रेबेलियन होता था, बगावत होती रहती थी, और रोमन साम्राज्य के जितने भी राजा थे वो परेशान रहते थे, हमेशा कोई ना कोई बगावत होती रहती थी। इसके अलावा रोमन समाज जो था वो तीन हिस्सों में डिवाइडेड था, एक हायर क्लास, एक मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास। लोअर क्लास यानी कि स्लेव्स यानी कि गुलामों का क्लास था वो। तो अब इन क्लासेस में आपस में लड़ाई होती थी, कई बार जो स्लेव्स होते थे वो बगावत कर देते थे, कई बार मिडिल क्लास बगावत कर देते थे। तो ऐसी ही बगावत होती रहती थी, और ऐसी ही एक बहुत बड़ी बगावत थी जिसको लीड किया था एक गुलाम ने जिसका नाम है स्पार्टकस। तो अब रोमन साम्राज्य के जो लोग थे वो बस ऐसे रेबेलियन को दबाने में लगे रहते थे और उनको समझ नहीं आता था कि कैसे बंद किया जाए इन बगावतों को। तो अब क्या होता है, जो जेरूसलेम शहर है उस शहर में एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम था यीशु, या जिसको जीसस क्राइस्ट भी कहते हैं। तो अब जेरूसलेम शहर में उस लड़के का बचपन गुजरता है और जेरूसलेम शहर के सब लोगों को एक चीज़ का आइडिया लग जाता है कि ये जो लड़का है, इस लड़के में कुछ खास है, इसमें कुछ अलग सी डिविनिटी है इस लड़के में। और जो जीसस क्राइस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी गरीब लोग थे, बेसहारा लोग थे, मजबूर जितने भी लोग थे, उन लोगों के हक की आवाज़ उठाना शुरू किया जीसस क्राइस्ट ने। और जीसस क्राइस्ट उसके अलावा उनको कई तमाम तरह की टीचिंग्स भी देते थे, भगवान के बारे में बताते थे, इस दुनिया के बारे में बताते थे, और मैसेज दिया करते थे प्यार मोहब्बत का। उनका कहना था कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी जानवर हैं, आप सबसे प्यार करो, सेवा करो, और यही रास्ता है भगवान तक पहुंचने का। तो अब जितने भी सब लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे जीसस क्राइस्ट से, और जीसस क्राइस्ट ने इस तरीके से आवाज़ उठाना शुरू किया रोमन साम्राज्य के खिलाफ। और सिर्फ रोमन साम्राज्य के खिलाफ नहीं, जो रोमन समाज है समाज के खिलाफ भी आवाज़ उठाना शुरू किया कि इस तरीके से इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन ठीक नहीं है लोगों का। और इसके अलावा जो बैंकर्स थे उस ज़माने के, यानी कि जो इन लोगों का काम था कि सोना और चांदी वो लोन में या उधार दिया करते थे रोमन साम्राज्य को, या लोगों को उधार दिया करते थे, ये बैंकिंग सिस्टम जिनका काम है, उनसे भी बगावत एक उठाई जीसस क्राइस्ट ने। तो अब इस तरीके से जीसस क्राइस्ट का इमर्जेंस होने लग गया था, और जीसस क्राइस्ट को कई लोग प्रॉफिट मानने लगे थे, यानी कि इनको एक पैगंबर मानने लगे थे कि ये ईश्वर की संतान है और ये एक मैसेज दे रहे हैं इंसानियत को। तो अब होने ये लगा कि साम्राज्य में जब भी कहीं बगावत होती है
तो साम्राज्य पूरी कोशिश करता है कि इस बगावत को जल्दी से जल्दी पूरी तरीके से दबा दिया जाए। तो अब जो रोमन साम्राज्य था उसने भी यही किया। जीसस क्राइस्ट पे तमाम तरह के इल्ज़ाम लगा दिए गए कि ये ऐसा गलत काम करते हैं, वैसा करते हैं, ये देशद्रोह करते हैं, राजद्रोह करते हैं, ऐसे कई इल्ज़ाम उन पे लगाए और उनको सज़ा दी गई जान से मारने की, और जीसस क्राइस्ट को बहुत बेदर्दी के साथ मार दिया गया। तो हम जीसस क्राइस्ट की कहानी पे थोड़ा सा कम डिस्कशन करेंगे, हम रोमन साम्राज्य पे ज़्यादा रहेंगे। तो अब हुआ ये कि रोमन एम्पायर को लगा कि ये मूवमेंट और ये बगावत अब पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा होने ये लगा कि जीसस क्राइस्ट के जो फॉलोअर्स थे, इनके फॉलोअर्स ने कभी भी जीसस क्राइस्ट को भूले नहीं वो लोग, और इन्होंने एक नई चीज़ करना शुरू किया कि जीसस क्राइस्ट की जितनी भी टीचिंग्स थी, जितनी भी बातें वो लोगों को बताते थे, और जीसस क्राइस्ट की ज़िंदगी से जुड़ी जो किस्से कहानियाँ थे कि जीसस क्राइस्ट ने एक बार ऐसा किया, फिर एक बार ऐसा किया था, ऐसे किस्से कहानियों को, और जो उनके प्यार और जेनरोसिटी, जो उनके दया के जो किस्से हैं, उनको वो ले जाने लगे दूर दराज के लोगों तक, और जीसस क्राइस्ट का मैसेज पहुँचाने लगे उन लोगों तक, और क्रिश्चियनिटी एक कल्ट के जैसा बनना शुरू हो गया। और इन लोगों ने, जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर्स ने, चर्चेस बनानी शुरू कर दी, उन्होंने बाइबल बना ली, अपनी फिलॉसफीज़, अपने रिचुअल्स, अपने जितने भी रीति रिवाज हैं उन्होंने अपने फेस्टिवल्स बनाने शुरू कर दिए, अलग अलग ट्रेडिशंस बनाने शुरू कर दिए। तो क्रिश्चियनिटी एक धर्म के तौर पे, कि उसमें फिलॉसफी भी है, रिचुअल्स भी हैं, ट्रेडिशंस भी हैं, वो एक धर्म के तौर पे इवॉल्व होने लग गया, और इस तरीके से वो धर्म बनने लग गया और पूरे समाज में एक जॉइनिंग बॉन्ड बनने लग गया, यानी कि लोग जुड़ने लगे एक दूसरे से क्रिश्चियनिटी के नाम पे, भले वो अलग धर्म के हों, अलग अलग भाषाएं बोलते हों, लेकिन ये एक धागा उनको जोड़ रहा था। और क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने अपना बचपन जेरूसलेम में गुजारा और जेरूसलेम की कई सारी कहानियाँ हैं, तो इस वजह से जेरूसलेम एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट तीर्थ स्थान रहा जितने भी क्रिश्चियंस हैं उनके लिए। अब जब क्रिश्चियनिटी एक धर्म के सेंस में बनने लग गया, तो ये चीज़ पसंद नहीं आई रोमन साम्राज्य को। उन्होंने क्या करना शुरू किया, जितने भी क्रिश्चियंस मिलते थे उनको किसी न किसी तरीके से पूरी कोशिश करते थे कि सज़ा दी जाए, और कई बार ऐसा होता था लोगों को ज़िंदा जला दिया जाता था, सिर्फ इसलिए कि वो क्राइस्ट पे बिलीव करते हैं, क्राइस्ट को बहुत ज़्यादा मानते हैं, लोगों को उनकी खाल उधेड़ ली जाती थी, ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा हार्श पनिशमेंट्स उनको दिए जाते थे सिर्फ इसकी वजह से कि वो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। अब इस चीज़ के करीब 100-150 सालों के बाद जब रोमन साम्राज्य के राजाओं ने ये देखा कि क्रिश्चियनिटी ख़त्म नहीं हो रही है, लोग अभी भी फॉलोअर्स हैं और बनते जा रहे हैं, तो अब रोमन साम्राज्य में जैसे आगे और भी नए राजा आते हैं, तो अब जो नए राजा आए उनमें से एक राजा थे कॉन्स्टेंटीन और एक और राजा थे थियोडोसियस। तो इन दोनों राजाओं ने एक ऐसा फैसला लिया जिस फैसले ने इंसानियत के इतिहास में एक बहुत बड़ा मार्क छोड़ा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्रिश्चियनिटी को रोमन साम्राज्य का ऑफिशियल धर्म घोषित कर दिया कि अब रोमन साम्राज्य क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और क्योंकि ये जो रोमन साम्राज्य है, ये वो लोगों को जोड़ने वाला धागा ढूंढ रहे थे, तो ये धागा इनको दिख गया कि क्रिश्चियनिटी एक ऐसा धागा है। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाइबल का न्यू टेस्टामेंट लिखा, इसके बाद इन्होंने एस्टेब्लिश किया रोमन कैथोलिक चर्च, रोमन साम्राज्य की राजधानी में रोम में इन्होंने एस्टेब्लिश किया रोमन कैथोलिक चर्च, और ये रोमन कैथोलिक चर्च एक जॉइनिंग बॉन्ड रहेगा दुनिया के तमाम सारे क्रिश्चियंस के बीच में। और ये राजा जो थे, ये राजा जानते थे कि साम्राज्य तो बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, लेकिन ये जो चीज़ बन रही है ये हमेशा के लिए है, हज़ारों सालों तक रहनी है, और ये एक सीट ऑफ इन्फ्लुएंस है, यानी कि दुनिया भर में कहीं पे भी क्रिश्चियंस होंगे वो कहीं ना कहीं जुड़े रहेंगे इस रोमन कैथोलिक चर्च के साथ। अब रोमन साम्राज्य ने क्या किया, साम्राज्य हमेशा बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं, तो अब रोमन साम्राज्य ने क्या किया कि रोमन साम्राज्य जब भी एक्सपैंड करता था, कि अब रोमन साम्राज्य जैसे कोई नई टेरिटरी एक्वायर करता था, तो ये पूरी कोशिश करते थे कि वहाँ के जो लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी धर्म को मानने लग जाएं। जो लोग आराम से मान ले रहे हैं वो तो आराम से मान लें,
और जो लोग नहीं मान रहे हैं कोई बात नहीं, वो समाज में अलग थलग रह जाएंगे, और उनको समाज की मुख्य धारा में अगर आना है तो धीमे धीमे वो नहीं तो उनके बच्चे नहीं तो उनके बच्चे वो धीमे धीमे क्रिश्चियनिटी में आते चले जाएंगे। तो इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी ऑलमोस्ट पूरे यूरोप में फैल गई वक्त के साथ, और रोमन एम्पायर एक टाइम पे आके खत्म हो गया, लेकिन ये क्रिश्चियनिटी बरकरार है और ये रोमन कैथोलिक चर्च की पावर आज भी बरकरार है। तो ये तो रही बात रोम की और क्रिश्चियनिटी की। अब ये जो चीज़ें हुई, इन चीज़ों के करीब 500 सालों के बाद, यानी कि करीब 600 AD की बात है, और अब हम चल रहे हैं अरेबिया में, आज के टाइम में जहां सऊदी अरेबिया देश है और उसके आसपास का जो इलाका है, इस इलाके का नाम था अरेबिया। और जिस तरीके से यूरोप में अलग अलग इलाकों में अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग ट्रेडिशंस, वैसे ही अरेबिया का हाल था कि ये भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स एरिया रहा है। अब यहाँ पे अरेबिया में एक उस ज़माने में 600 AD में एक मर्चेंट हुए, मर्चेंट यानी कि व्यापारी, जिनका नाम था मोहम्मद। अब मोहम्मद करते क्या थे कि दूर दराज के इलाकों में जाते थे, सामान खरीदते थे, उस सामान को लेके फिर किसी दूर इलाके में जाते थे, वहाँ बेचते थे, वहाँ कुछ और सामान खरीद के कहीं और बेचते थे, तो इनका दूर दराज के इलाकों में आना जाना लगा रहता था। तो ये जो मोहम्मद थे, ये बहुत नेक इंसान थे, दिल के बहुत साफ थे, तो इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत होती थी और दूर दराज के इलाकों में लोग इनको जानते थे, बहुत इज्जत से पेश आते थे, हर कोई जानता था कि ये आदमी बहुत प्योर हार्ट का आदमी है। तो अब जो मोहम्मद थे, इनकी एक और बड़ी खास चीज़ थी, ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नेचर के थे, तो कहीं पे भी कोई धार्मिक स्थल होता था, कोई तीर्थ स्थान होता था, वो जाके विजिट ज़रूर करते थे, वहाँ घूमते थे, वहाँ मेडिटेशन करते थे। तो ऐसे ही किसी आदमी ने इनको एक दिन बता दिया कि कहीं कोई ऐसा पहाड़ है, उन पहाड़ियों में गुफाएं हैं, उन गुफाओं में आप जाके मेडिटेशन कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा इलाका है। तो ऐसे ही वो पहाड़ों की उन गुफाओं में बैठ के एक दिन मेडिटेशन कर रहे थे, और जब मोहम्मद वहाँ मेडिटेशन कर रहे थे तो इनको एक फरिश्ता दिखाई देता है, जिस फरिश्ते का नाम था गैब्रियल, या जिसको कहते हैं जिब्राइल भी कहते हैं। और ये जो फरिश्ता था गैब्रियल, इसने भी तमाम तरह का ज्ञान दिया मोहम्मद साहब को, तमाम तरह की बातें बताईं, कुरान लाके दी मोहम्मद साहब को, और ये जिम्मेदारी अब इन पे थी कि ये उस फरिश्ते ने जितनी भी बातें इनको बताई हैं, जो बातें कही हैं, इंसानों के लिए जो मैसेज दिया है, वो मैसेज ये ले जाएं इंसानों के पास। तो मोहम्मद साहब ने अब ये काम करना शुरू किया, और इस तरीके से शुरुआत हुई इस्लाम की। और इस्लाम की शुरुआत जब हुई तो मोहम्मद साहब ने आसपास के इलाकों में इस्लाम फैलाना शुरू किया, और जब इनकी ज़िंदगी का वक्त पूरा हो गया था इस दुनिया में, तो मोहम्मद साहब अब जाते हैं कहाँ, जेरूसलम शहर। और जेरूसलम शहर में एक चट्टान थी, उस चट्टान के ऊपर वो खड़े होते हैं, और आसमान से कहा जाता है कि फरिश्ते आते हैं और फरिश्ते इनको उठा के ले जाते हैं जन्नत में। तो अब वो जिस चट्टान पे खड़े थे मोहम्मद साहब, उस चट्टान के आसपास एक जगह बनाई गई, तो उस जगह को कहा जाता है टेंपल माउंट, यानी कि चट्टान का मंदिर। तो इस तरीके से जेरूसलम शहर इस्लाम के लिए भी एक तीर्थ स्थान बन गया। और अगर तीर्थ स्थानों की बात करें तो इनका एक और बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, जो कि है मक्का। और मक्का में क्या है तीर्थ, वहाँ एक ब्लैक क्यूब है, जिस ब्लैक क्यूब की स्थापना करी थी प्रॉफेट इब्राहिम ने। तो ये बेसिकली अब ये सीन रहा इस्लाम का। अब इसके बाद क्या होता है कि रोमन साम्राज्य ने जो क्रिश्चियनिटी के साथ किया, वही काम किया रशीदुन एम्पायर ने, रशीदुन साम्राज्य ने इस्लाम के साथ। इस एम्पायर ने या इस साम्राज्य ने क्या किया, इस्लाम को अपना ऑफिशियल धर्म बना लिया अपने साम्राज्य का। और फिर ये भी वही काम करते थे कि जब भी एक्सपैंड करते थे, ये नई टेरिटरीज जब जीतते थे, तो वहाँ फिर इस्लाम को फैलाने की कोशिश करते थे। कुछ लोग आराम से खुद ही आ जाते थे, और धीमे धीमे एक जनरेशन्स के साथ कई सारे लोग धीमे धीमे इस्लाम में कन्वर्ट होते रहते थे। तो इस तरीके से इस्लाम बढ़ना शुरू हुआ और ब्लेंड होने लगे नए नए कल्चर। अब जैसे जैसे क्रिश्चियनिटी
अलग अलग कल्चर के लोगों को अपने अंडर लेता था, तो क्रिश्चियंस हैं लेकिन फिर भी वो अपना एक नया वर्जन बन जाते थे अलग अलग कल्चर्स के फॉर्म में। वैसे ही इस्लाम में भी ये चीज़ होने लग गई, लैंग्वेज के फॉर्म्स में, कस्टम्स के फॉर्म्स में। तो खैर, अब आगे ये होता है कि ऐसे जो एम्पायर थे, रशीदुन साम्राज्य जो था, इसके बाद एक और साम्राज्य बना अब्बासिद साम्राज्य, ऐसे साम्राज्यों ने अपना एरिया बढ़ाना शुरू किया और इन्होंने जेरूसलम शहर को जीता। और जेरूसलम शहर इनके लिए तीर्थ स्थान भी था, तो जेरूसलम शहर को इन्होंने जीता और जो ब्रोकन रोमन एम्पायर था, रोमन एम्पायर टूट चुका था काफ़ी, तो बाइजेंटाइन एम्पायर को हरा के इन्होंने जेरूसलम शहर पे कब्जा कर लिया। अब जेरूसलम शहर सिर्फ मुस्लिम्स का तीर्थ तो है नहीं, वो क्रिश्चियंस का या ईसाइयों का भी तीर्थ है, यहूदियों का भी तीर्थ है। तो अब जब क्रिश्चियंस या यहूदी जब जेरूसलम शहर में आते थे वहाँ के तीर्थ में जाने के लिए, तो उन पे टैक्स लगाया जाता था, क्योंकि जेरूसलम शहर अब इन साम्राज्यों का हिस्सा है। उन लोगों पे टैक्स लगाया जाता था, रास्ते में उनको कई बार लूट लिया जाता था, और उन लोगों को आके जेरूसलम शहर में घूमने के लिए इन लोगों से परमिशन लेनी पड़ती थी। तो ये चीज़ों की वजह से ज्यूज और क्रिश्चियंस को काफ़ी प्रॉब्लम्स होते थे। तो अब इसके बाद होता क्या है कि जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गईं, तो अब जो रोमन कैथोलिक चर्च है, रोमन साम्राज्य तो टूटने लग गया था, लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च ने अब यहाँ पे क्या किया, रोमन कैथोलिक चर्च ने फैसला किया कि जितने भी एरियाज ये लोग हार चुके हैं, इन एरियाज को वापस जीतना पड़ेगा और जेरूसलम शहर को अपने कंट्रोल में लाना पड़ेगा। तो अब इसके लिए इनको बहुत बड़ी आर्मी चाहिए। तो अब इतनी बड़ी आर्मी आएगी कैसे? तो जो रोमन चर्च है, इसने ऐसा एक फरमान जारी किया कि जो समाज है, समाज में एक नई कैटेगरी के लोग होंगे जिनको कहा जाएगा नाइट्स, यानी कि ये होंगे योद्धा, और इन योद्धाओं का काम होगा क्रूसेड्स करना। क्रूसेड्स यानी कि ये लोग हमला करेंगे इन साम्राज्यों पे, और जितने भी एरियाज ये लोग हार चुके हैं उन एरियाज को वापस अपने कंट्रोल में लाएंगे। और इन नाइट्स का और भी काम होगा कि जितने भी तीर्थ यात्री जेरूसलम शहर जाएंगे, उनको ये सही सलामत ले जाएंगे जेरूसलम शहर तक और वापस लाएंगे। और इसके साथ साथ ये जो नाइट्स हैं, ये पर्सनल आर्मी के तौर पे भी काम करेंगे, कि ये रोमन कैथोलिक चर्च की पर्सनल आर्मी है। तो अब इसके बाद शुरू होता है टाइम क्रूसेड्स का। क्रूसेड्स शुरू हुए 1100 एडी से और चले करीब करीब 1500 एडी तक, यानी कि इतने पूरे टाइम में हमेशा मारकाट चलती रही, लड़ाइयाँ चलती रहीं, युद्ध होते रहे, कई सारे इलाके इन नाइट्स ने जीते और कुछ सालों के बाद कुछ इलाके हार गए, और इसी तरीके से जीतना हारना चलता रहा। और फाइनली जाके ऑटोमान साम्राज्य बना, एक जैसे नए नए साम्राज्य आते हैं वैसे एक नया साम्राज्य बना ऑटोमान साम्राज्य मिडिल ईस्ट में, और ऑटोमान साम्राज्य ने फिर पूरे एरिया पे कब्जा कर लिया और जेरूसलम शहर पे भी कब्जा कर लिया। और ऑटोमान साम्राज्य ने करीब करीब 500 सालों तक जेरूसलम शहर अपने कब्जे में रखा। अब इसके बाद यहाँ से हम आगे चलते हैं कुछ सदियों के बाद 1800s के टाइम में, यानी कि अब 19th सेंचुरी शुरू हो गई है। अब 19th सेंचुरी तक आते आते दुनिया में नई चीज़ क्या हुई थी कि अब दुनिया में कई सारी ईस्ट इंडिया कंपनीज बनी थी, जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, स्पैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्चुगीज, जर्मनी, ऐसी कई सारी कंपनीज बनी थी। तो इन कंपनीज का काम था कि दुनिया के दूर दराज के इलाकों में जाके व्यापार करना, और अगर मौका मिले तो उन इलाकों पे कब्जा कर लेना और उन इलाकों पे राज करना। तो इन ईस्ट इंडिया कंपनीज ने पूरी दुनिया में, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में, चाहे आप पूरे अमेरिका की बात कर लीजिए, अफ्रीका की बात कर लीजिए, इंडियन सिविलाइजेशन की बात कर लीजिए, चाइनीज सिविलाइजेशन पे डायरेक्टली इन्होंने राज नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली काफ़ी हद तक राज किया। तो दुनिया के ज़्यादातर हिस्से में इन ईस्ट इंडिया कंपनीज का राज था, और ईस्ट इंडिया कंपनीज में भी जो सबसे ज़्यादा थी वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका राज सबसे ज़्यादा था, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल कंपनी रही। और अब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इतना बड़ा साम्राज्य था, तो ये जो बाकी ईस्ट इंडिया कंपनीज हैं ये आपस में लड़ाई करती थी कि हमें भी साम्राज्य का हिस्सा चाहिए। अब जैसे कि आपको एग्जाम्पल देता हूँ,
कि किस तरीके से साम्राज्य की लड़ाई होती थी और किस तरीके से साम्राज्य डिवाइड किया जाता था। जैसे कि 1800s के टाइम की ही बात है कि एक साइंटिस्ट था, एक इन्वेंटर था जिसने बनाई मैक्सिम गन, यानी कि जिस जमाने में लोग तलवार भाले से लड़ रहे थे, इन्होंने बनाई थी मशीन गन। और मैक्सिम गन इतनी पावरफुल थी कि अगर एक आदमी के पास मैक्सिम गन है तो सामने अगर कोई सेना खड़ी हो तलवार और भाले लेके, तो एक आदमी अकेले सैकड़ों आदमियों को मार सकता है। तो ये मैक्सिम गन जब बनी, तो उस जमाने में अगर दुनिया के बादशाहों की बात करी जाए तो दुनिया के एक बादशाह थे लॉर्ड रॉथशाइल्ड, और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक फाउंडिंग मेंबर थे कि इन्होंने पैसा लगाया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कि ये कंपनी फिर चले और इसके प्रॉफिट का हिस्सा इनको मिलता था। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब दुनिया के बादशाहों में से एक ये थे। तो उस ज़माने में इन्होंने मैक्सिम गन्स की फैक्ट्री लगाई खुद, और ये मैक्सिम गन्स देना शुरू किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, इनके कमांडर्स को, और इन मैक्सिम गन्स की मदद से फिर खून खराबा शुरू हुआ है अफ्रीका में। और कुछ सालों के अंदर पूरा का पूरा अफ्रीका, जो पूरा इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, वो लॉर्ड रॉथशाइल्ड के अंडर था। यानी कि पूरा कॉन्टिनेंट, वहाँ के जंगल, वहाँ के खेत, वहाँ की नदियाँ, वहाँ की खदाने, वहाँ के इंसान, हर चीज़ का फैसला लॉर्ड रॉथशाइल्ड करेंगे कि किसके साथ क्या होगा। उनका बस चले तो खदान से कोई चीज़ निकाल के दुनिया में कहीं बेच दें, इनका बस चले तो इंसानों को दुनिया में कहीं बेच दें, और इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, इन्होंने हर चीज़ बेची है। तो अब क्या हुआ कि पूरा का पूरा अफ्रीका आया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। तो अब बाकी ईस्ट इंडिया कंपनीज लड़ाई करने लग गई कि हमें भी साम्राज्य का हिस्सा चाहिए। तो अब क्या हुआ, 1885 में हुआ स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका के टुकड़े किए गए, अफ्रीका की जैसे भजिया बना दी गई कि ये हिस्सा तुम ले लो, ये हिस्सा तुम ले लो, तुम राज करो, ये हिस्सा तुम लो, तुम राज करो, और कुछ भी करो, पूरा का पूरा हिस्सा तुम्हारा है, तुम्हें जो मन में आए तुम कैसे भी इसका फ़ायदा उठाओ। तो इस तरीके से अफ्रीका का स्क्रैम्बल हुआ, अलग अलग ईस्ट इंडिया कंपनीज़ में अफ्रीका बांट दिया गया। तो इसी तरीके से ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो डिवाइड एंड रूल करते थे। ब्रिटिशर्स क्या, ये सारे यूरोपियंस का तरीका था कि लोगों को डिवाइड करो, और जितने भी देश इन्होंने बनाए, अलग अलग इलाके, जितने देश इन्होंने बनाए, इस तरीके से बनाए कि वो देश कमज़ोर रहें और आपस में ही अलग अलग कल्चर्स के लोग लड़ाई करते रहें आपस में। अब वक्त थोड़ा सा और आगे बढ़ता है और 1914 का साल आता है। तो इस टाइम पे दोबारा से ये जो साम्राज्य की जो लड़ाई है, ये साम्राज्य की लड़ाई दोबारा से शुरू होती है। और ये लड़ाई किस किस लोगों के बीच में होती है, एक तरफ तो था ब्रिटिश एम्पायर, जाहिर सी बात है पूरी दुनिया के ज़्यादातर हिस्से में ब्रिटिश साम्राज्य था, तो इसी साम्राज्य का हिस्सा चाहिए बाकी लोगों को। और दूसरी तरफ कौन थे, बेसिकली जर्मनी, और जर्मनी का साथ देने वाले कुछ और देश, और इन देशों में एक देश था ऑटोमान साम्राज्य। तो अब लड़ाई शुरू होती है इन दोनों के बीच में, जर्मनी, ऑटोमान और कुछ देश, इनकी लड़ाई होगी ब्रिटिश साम्राज्य से। और क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी दुनिया में है, तो ब्रिटिशर्स की तरफ से जो सैनिक आएंगे वो ऑस्ट्रेलिया से भी आएंगे, वो इंडिया से भी आएंगे, वो अफ्रीका से भी आएंगे, वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आएंगे। और इस वजह से इस वॉर को जर्मनी वर्सेस ब्रिटेन नहीं कहा गया, इस वॉर को वर्ल्ड वॉर कहा गया, क्योंकि वाकई पूरी दुनिया से सैनिक आ रहे हैं। अब इसके बाद क्या होता है, वर्ल्ड वॉर शुरू होती है, और वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन एक क्रिटिकल पोजीशन में पहुंच जाता है, यानी कि एक बड़े नाजुक हालत में पहुंच जाता है ब्रिटेन। और इस नाजुक हालत में ब्रिटेन को ये वॉर जीतने के लिए ज़रूरत पड़ती है मदद की, और ये मदद उसे चाहिए अमेरिका से। अब ब्रिटेन अमेरिका से मदद मांगता है, ब्रिटेन के जो रॉयल क्राउन है, जो वहाँ के राज करने वाले जो लोग हैं, वो मदद मांगते हैं अमेरिका के जो राजा लोग हैं। अमेरिका के राजा लोग यानी कि कौन, जिन लोगों ने अमेरिका में पैसा इन्वेस्ट किया है, अमेरिका को डेवलप किया है, और वो मालिक हैं अमेरिका के, जो ओन करते हैं वहाँ के सिस्टम्स को, वहाँ के बैंक्स को, उन लोगों से मदद मांगी ब्रिटिशर्स ने। और उन लोगों की तरफ से कौन थे, लॉर्ड रॉथशाइल्ड। लॉर्ड रॉथशाइल्ड से मदद मांगी ब्रिटिश रॉयल क्राउन ने, और
यहाँ पे क्या होता है, लॉर्ड रॉथशाइल्ड क्या करते हैं, बैल्फोर एग्रीमेंट साइन करते हैं। बैल्फोर एग्रीमेंट का मतलब लॉर्ड रॉथशाइल्ड ये कहते हैं कि हमें यहूदियों के लिए एक अलग देश चाहिए, अगर आप हमें एक अलग देश देने को तैयार हैं तब अमेरिका को हम वॉर में ले आएंगे। तो ब्रिटिश रॉयल क्राउन इस चीज़ के लिए तैयार होता है और अमेरिका साथ देता है ब्रिटेन का, और फिर वर्ल्ड वॉर वन में अमेरिका और ब्रिटेन जब मिलके लड़ते हैं तो ब्रिटेन जीत जाता है और जर्मनी और ऑटोमान साम्राज्य हार जाते हैं। तो जब ऑटोमान साम्राज्य हार जाता है तो फाइनली 400-500 सालों के बाद जेरूसलम दोबारा से इन लोगों के कंट्रोल में आता है। चाहे आप ब्रिटिशर्स कह लीजिए, चाहे लॉर्ड रॉथशाइल्ड के लोग कह लीजिए, चाहे आप रोमन एम्पायर कह लीजिए, चाहे ब्रिटिश क्राउन कह लीजिए, इन लोगों के हाथ में पहली बार जेरूसलम आया 400 सालों में। अब इसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने वही किया जो अफ्रीका के साथ किया, इन्होंने ऑटोमान साम्राज्य लिया और ऑटोमान साम्राज्य की भजिया बना दी। इन्होंने ऑटोमान साम्राज्य को 15 छोटे छोटे देशों में डिवाइड किया और इन देशों को प्रॉपर तौर पे अलग अलग सोशल लाइंस में डिवाइड किया कि भविष्य में जब ये देश आज़ाद हों, क्योंकि ऑटोमान साम्राज्य जो है ये दरअसल वहाँ है जहाँ मिडिल ईस्ट एरिया है, दुनिया के जितने मुस्लिम देश आज के टाइम में वो सब ऑटोमान का एरिया है। तो इन्होंने इस तरीके से देश डिवाइड किया अलग अलग कल्चर्स के लिहाज से कि ये देश जब अलग अलग देश बने तो इनमें यूनिटी ना रहे। तो खैर, अब इन्होंने ऑटोमान को अलग अलग देशों में डिवाइड किया और जो अरेबिया का एरिया था, पूरा का पूरा अरेबिया इन्होंने दे दिया हाउस ऑफ साउद को। अब ये हाउस ऑफ साउद यानी कि ये एक खानदान है, यानी कि चाचा मामा फूफा भतीजा ये सब लोग एक ही खानदान था। उस खानदान को पूरा का पूरा अरेबिया दे दिया कि अब ये पूरा अरेबिया आपकी जागीर है, आपको राज करना है यहाँ और आप ही राज करो, और कोई अगर आदमी कुछ भी कहे तो उसको पकड़ के मरवा दो, पूरा आप ही का राज है। तो अब अरेबिया बन गया सऊदी अरेबिया। और इस तरीके से अब ऑटोमान को अलग अलग डिवाइड किया ब्रिटिशर्स ने और कुछ हिस्सा तुम ले लो, कुछ हिस्सा फ्रांस, कुछ हिस्सा जर्मनी, कुछ हिस्सा पोर्चुगीज, और जो खास जो हिस्सा था अरेबिया उसको दे दिया हाउस ऑफ साउद को। और इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे इन्हें पेट्रोल का आराम से चीज़ें मिल गई, और जो हाउस ऑफ साउद थे ये देखा जाए तो ये सऊदी अरेबिया इस्लामिक लीडर बना। इस्लामिक लीडर रहा क्यों, पहली चीज़ तो सऊदी अरेबिया से ही प्रॉफिट मोहम्मद और इस्लाम की शुरुआत हुई, सऊदी अरेबिया में ही मक्का मदीना है, और सबसे खास चीज़ सऊदी अरेबिया सबसे अमीर देश है, बाकी सारे जितने मुस्लिम देश हैं सब काफ़ी गरीब हैं, सऊदी अरेबिया बहुत अमीर देश है। तो सऊदी अरेबिया मुस्लिम देशों का एक लीडर बन के साबित हुआ और सऊदी अरेबिया हमेशा से एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलाय रहा है ब्रिटेन का, चाहे अमेरिका का, चाहे जितने भी नेता रहे हैं। तो इस तरीके से इनको ये इस्लामिक वर्ल्ड का भी कंट्रोल इनको हासिल रहा हमेशा, जो काम ये खुद नहीं कर सकते वो काम ये इनसे करा सकते हैं। अब जब हमने ऑटोमान और अफ्रीका की बात कर ली तो सबसे पहले हम अब जेरूसलम की कहानी आगे बढ़ाने से पहले आप शुक्रिया अदा करिए हमारे देश के फाउंडिंग फादर्स का, जिन अलग अलग लोगों ने हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में वो नेशनलिज्म की भावना जगाई, वो नेशनल कॉन्शियसनेस जगाई कि हम सब भले ही अलग अलग धर्म के हैं, हम सब अलग अलग भाषा के हैं, हम सब अलग अलग रीजन्स के हैं, लेकिन हम सब एक देश हैं। और उन तमाम लोगों में गांधी, जिन्होंने सबको एक साथ लाए, जितने बड़े बड़े अलग अलग एरियाज के नेता थे उन सबको एक साथ लाए और वाकई एक देश जैसा बनाया। क्योंकि अगर हमारे देश के फाउंडिंग फादर्स नहीं होते तो ब्रिटिशर्स बिल्कुल हमारे देश की भी ऐसी भजिया बना देते, और उन्होंने पूरी कोशिश करी और इनफैक्ट काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। इंडियन सिविलाइजेशन को ऑलरेडी 3 हिस्सों में डिवाइड करके गए, लेकिन कम से कम वो सिर्फ 3 हिस्सों में डिवाइड कर पाए, क्योंकि इंडिया के फाउंडिंग फादर्स रहे जिन्होंने इतनी यूनिटी आम जनता में बना दी थी कि वो एक देश बन के सर्वाइव किए और आज तक बरकरार हैं। वरना अगर इंडिया की इस तरीके से, अगर इंडिया के फाउंडिंग फादर्स नहीं होते तो क्या पता ब्रिटिशर्स कामयाब हो जाते, इंडिया को इस तरीके से मान लीजिए 8-10 हिस्सों में डिवाइड कर देते।
तो शुक्रिया अदा करिए इंडिया के फाउंडिंग फादर्स का। अब हम कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक हमने डिस्कशन किया वर्ल्ड वॉर वन तक के टाइम का। अब वर्ल्ड वॉर वन में इसके बाद जब जर्मनी हार गया तो यहाँ पे एक नई चीज़ शुरू हुई। जर्मनी में फैशिज्म का राइज हुआ, जर्मनी में, इटली में और जापान में। अब ये फैशिज्म क्या होता है? फैशिज्म एक राजनीतिक विचार होता है, यानी कि देश किस रास्ते पे चलेगा। देश के चलने के लिए अलग अलग रास्ते होते हैं और हर रास्ते में अलग अलग चीज़ें मिलती हैं देश को। तो फैशिज्म एक रास्ता होता है। इस चीज़ के बारे में आपको कभी बाद में अलग डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ फिलहाल इतना जान लीजिए कि राइज हुआ जर्मनी, इटली और जापान का, और इनके जो नेता लोग रहे, जर्मनी में राइज हुआ हिटलर का, इटली में राइज हुआ मुसोलिनी का, और जापान में राइज हुआ इनके राजा हिरोहितो का। और इन तीनों लोगों ने फिर से वो जो वॉर ऑफ एम्पायर था, ये साम्राज्य की लड़ाई को दोबारा से छेड़ा कि हमें साम्राज्य बनाना है। इधर हिटलर और मुसोलिनी ने अटैक किया ब्रिटिशर पे, और जापान ने अटैक किया चाइना पे, और सब अपने अपना साम्राज्य बनाने में लग गए। और इस तरीके से शुरू हुई वर्ल्ड वॉर टू। और वर्ल्ड वॉर टू में दोबारा से फिर लड़ाई हुई और ब्रिटेन और अमेरिका ये दोनों जीत गए। जब हिटलर का खत्म हुआ, मुसोलिनी का भी खात्मा हुआ, और जब हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम गिराए गए और जापान ने सरेंडर किया, तो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ। और जब ये वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ तो अब रास्ता काफ़ी हद तक साफ था। एक नया देश बनाया गया यहूदियों के लिए, जिस देश का नाम रखा गया इज़राइल। और क्योंकि इज़राइल जिस जगह पे बन रहा था, इस जगह में पहले जो जगह थी वो थी पैलेस्टाइन, और इसको हिंदी में कहते हैं फिलिस्तीन भी कहते हैं। तो अब उस टाइम पे ये कहा गया कि कुछ एरिया इज़राइल का होगा, कुछ एरिया फिलिस्तीन का होगा, और जेरूसलेम जो शहर है ये कॉमन टेरिटरी होगा। तो ये डिसाइड किया गया उस टाइम पे। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, वैसे वैसे इज़राइल एक्सपैंड होता रहा, वो ऑक्यूपाई करता रहा फिलिस्तीन को और उन लोगों को हटाते रहा, और इज़राइल बड़ा होता चला गया। और धीमे धीमे इज़राइल को हमेशा सपोर्ट मिलता रहा अमेरिका का और सारे यूरोपियन देशों का। और इसके बाद आज के टाइम में जेरूसलेम जो है, जेरूसलेम शहर इज़राइल की टेरिटरी अब मान लिया गया है। और इसके बाद यहाँ सेकंड टेंपल जो था वो तो इनका है ही धार्मिक स्थान। कई सारे ऐसे लोग हैं जो थर्ड टेंपल भी बनाना चाहते हैं सोलोमन का, और उन लोगों का ये मानना है कि थर्ड टेंपल ऑफ सोलोमन जब आ जाएगा तो इससे उनका मसीहा आएगा। और इससे कई सारी कहानियाँ जुड़ी हैं, एंटी क्राइस्ट, दज्जाल, रिटर्न ऑफ क्राइस्ट, ऐसी कई सारी कहानियाँ हैं। अब वो माइथोलॉजीज शुरू हो जाती हैं इन ज्यूविश लोगों की। तो खैर, ये पूरा सीन सिनारियो था, और ये कहानी थी जेरूसलेम शहर की, जिस शहर ने तीन प्रॉफिट्स देखे, खास तौर पे अब्राहम, मोहम्मद और क्राइस्ट। और ये पूरी जेरूसलेम शहर की कहानी जान के आपको पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री का एक हल्का सा आइडिया लग चुका होगा।